नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स। चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। सिलीगुड़ी के ब्लू माउंटेन होटल में जिस्म फरोशी धंधे का एसओजी और प्रधान नगर थाना की पुलिस ने किया पर्दाफाश। इस मामले में ब्लू माउंटेन होटल से पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक युवती भी बरामद। आज सभी आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश कर पुलिस ने रिमांड की मांग की। नवजात शिशु को जन्म देने के बाद मां की हुई मौत, सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिवार वालों ने किया जमकर हंगामा। सिलीगुड़ी में अवैध होर्डिंग के खिलाफ नगर निगम ने शुरू किया अभियान, आगामी 10 दिनों के अंदर शहर से खाली कराए जाएंगे अवैध होर्डिंग। अवैध होर्डिंग के खिलाफ नगर निगम द्वारा अभियान के तहत सालूगढ़ा संलग्न एक खाली जमीन पर लंबे समय से लगे होर्डिंग को हटाया गया। राजगंज के टोटो चालक की बेटी मुक्ता परवीन को मिली उच्च माध्यमिक परीक्षा में सफलता, कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए लगाई मदद की गुहार। बाइक व साइकिल की आमने सामने की टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल, फुलबाड़ी कैनल रोड स्थित पूटीमाड़ी संलग्न इलाके में घटी घटना। आर्थिक तंगी को मात देकर बेलागोवा के श्रमिक की बेटी मांतू कुंगार ने माध्यमिक परीक्षा में अच्छे अंक किए प्राप्त, परिवार का नाम किया रोशन। दार्जिलिंग के पद्मजी नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में 5 नए स्नो लेपर्ड के शवकों ने लिया जन्म, झूम उठा चिड़ियाघर। उच्च माध्यमिक परीक्षा में सिलीगुड़ी तराई तारापद आदर्श विद्यालय की छात्रा काकुली साह अपने विद्यालय में आई अव्वल, परिवार ने आगे की पढ़ाई के लिए लगाई मदद की गुहार। नक्सलबाड़ी में तस्करी से पहले हिरन के सिंह के साथ एसएसबी की 41वीं बटालियन के जवानों ने एक युवक को किया गिरफ्तार, बागडोगरा वन विभाग को सौंपा। अलीपुरद्वार जिले के पश्चिम शिमलाबाड़ी इलाके में घूमते दिखा जंगली हाथी, इलाके में दहशत। चाय श्रमिकों के बढ़े वेतन की मांग को लेकर तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन ने कालचिनी ब्लॉक के विभिन्न चाय बागानों में गेट मीटिंग का किया आयोजन। कुचबिहार जिला परिषद की पहल पर चकचका औद्योगिक इलाके में 850 मीटर कंक्रीट की ड्रेन का काम किया गया शुरू। खोड़ीबाड़ी के गाजी जोत संसद में पश्चिम पाटाराम जोत में सड़क का काम का किया गया शिलान्यास, स्थानीय लोग दिखे खुश। फांसीदेवा में तस्करी से पहले 26 मवेशियों को पुलिस ने किया बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार, आज आरोपियों को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में किया गया पेश। 6 सूत्री मांगों के समर्थन में पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस आंगनबाड़ी व आशा कर्मी वेलफेयर एसोसिएशन ने कालचिनी एकीकृत सेवा योजना पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। रैपिड टाइम्स में आज के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। नमस्कार।